दोस्तों आज हम बात करने उत्तराखंड की LT शिक्षक भर्ती के बारे में। सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो भी लोग भी कमेंट कर रहे थे या भर्ती की या जो यहाँ पर कोर्ट के चला हुआ है जिन सब्जेक्ट में, उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता दो कि यहाँ पर जो कोर्ट केस लगे हैं मेनली तीन सब्जेक्ट के आपको देखने को मिलेगा, हिंदी सामाजिक ठीक है SST मतलब सामान्य वाले, और यहाँ पर शारीरिक शिक्षा के आप फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, और इनका यहाँ पर कोर्ट से बहाल करने की मांग चल रखी है। और इसको लेकर जो है कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर ज्ञापन भी दिया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा, और इसमें कहा गया है कि 24 जून को यहाँ पर हिंदी सामान्य और शारीरिक शिक्षा के विषय को छोड़कर जो है अन्य विषयों का यहाँ पर बहाल कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा इन तीन विषयों को यहाँ पर माननीय न्यायालय में मजबूत पैरवी न करने के कारण जो यहाँ पर ये विषय जो है अभी भी यहाँ पर जो है कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है अभ्यर्थियों द्वारा। और जिसके कारण जो है हम सभी चयनित अभ्यर्थी जो यहाँ पर हैं भारी जो है मानसिक एवं यहाँ पर आर्थिक पीड़ा से यहाँ पर गुजर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों ने यहाँ जो है जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके उनसे यहाँ पर जो निवेदन किया गया है कि उक्त विषय का जो है संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता के माध्यम से यहाँ पर जो है अगली सुनवाई की जो है निर्धारित तिथि 27 जुलाई 2022 को यहाँ पर जो है इस भर्ती प्रक्रिया को जो है माननीय न्यायालय से यहाँ पर बहाल कराने की जो है कृपा करें। दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा गया कि माननीय न्यायालय में यहाँ पर और अधिक समय लगाने की स्थिति में यहाँ पर इस भर्ती को जो है माननीय उच्च न्यायालय के अधीन जो है रखकर भर्ती प्रक्रिया जो है पूर्ण करें, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जो कि चयनित जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं तीन सब्जेक्ट, इन्होंने यहाँ पर कैबिनेट मंत्री को जो है ज्ञापन दिया है। साथ में यहाँ पर कहा कि जल्द से जल्द जो है भर्ती बहाल करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, 7 माह यहाँ पर कोर्ट में लटक गया है। और इनका कहना है कि मानसिक तनाव और यहाँ पर जो आर्थिक पीड़ा है उससे यहाँ गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं होता है दिक्कत क्योंकि चयनित होने के बाद आपका भर्ती मामला कोर्ट में लटक जाए, और इन्होंने यहाँ पर योग्यता परीक्षा से पैरवी ढंग से ना करने की बात कही है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है जो यहाँ पर महाधिवक्ता है उसके माध्यम से यहाँ पर संज्ञान में लेने के लिए बात कहा गया है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर जो इनकी पैरवी जल्द खत्म हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर 27 जुलाई को इनकी यहाँ पर अभी हियरिंग होनी है। देखते हैं, ज्ञापन तो दे रखा है कि लास्ट पैरवी हो या क्या हो, देखते हैं 27 तारीख को क्या होना है। और देखिए दोस्तों, कला सब्जेक्ट में भी यहाँ पर केस है। कई लोग पूछ रहे थे कला सब्जेक्ट में क्या केस चल रखा है, तो यहाँ कला सब्जेक्ट में डबल बेंच का एक और चल रखा है, तो डबल बेंच में जो है उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसी वजह से आपका जो आर्ट वाले का रिजल्ट है वो पेंडिंग में है, अभी उसकी केस की सुनवाई होगी, उसके बाद देखो कब है, और उसकी जो एग्जैक्ट डेट थोड़ी मुझे पता नहीं है, तो उसकी सुनवाई हो भी नहीं रही है। तो ये केस है जो लोग कमेंट कर रहे थे। साथ में आपका LT में हिंदी है सामान्य वाले हैं और सारे सब्जेक्ट वाले हैं, 27 को इनकी हियरिंग होनी है। अब देखो क्या होता है उस दिन। बाकी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिएशन हो रहा है, वो कई लोग पूछ रहे थे कि यार डॉक्यूमेंट वेरिएशन में हमारा जो है स्नातक मतलब प्रोविजनल है चल जाएगा। देखिए चल जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिएशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें जो आप मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और योग्यता परीक्षा की जो संवाद लिंक में जाना टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा LT शिक्षक करके, उसमें एडमिट कार्ड लिखा गया जो आपका एडमिट कार्ड के रूप में है वो वाला। ठीक है, वो सारा सारा फॉर्म फिल कर लेना, अपना फोटो वोटो लगा लेना, उसको आपको चेकलिस्ट है वो। ठीक है, वो आपका चेकलिस्ट है, उसमें फोटो वोटो सबको लगानी है आपको, वही आपका एडमिट कार्ड समझ लीजिएगा। ठीक है, और कई लोग पूछ रहे हैं कि एडमिट कार्ड लेके जाना जो आपने प्रवेश पत्र दिया था जिस एग्जाम के टाइम पे, ऐसा ले जाना कोई कंपलसरी नहीं, अगर आपके पास है तो ले जाइए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए जितने भी आपके हैं, और किसी के नाम में करेक्शन हो, पिताजी के नाम में अपने नाम में कोई करेक्शन हो रखा है तो उसका एफिडेविट बनवा लें। कई लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर 2-3 एफिडेविट बनवाने का, एक ही एफिडेविट में जितनी भी आपके करेक्शन हो रखे हैं उनका एफिडेविट बनवा लें। और किसी कई लोग कह रहे कि OBC को लेकर क्या प्रॉब्लम चल रखी है, तो ऐसे कुछ भी नहीं है, 3 साल होना चाहिए OBC को, आपकी लास्ट डेट से पहले पहले 3 साल के अंडर होना चाहिए। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर नहीं यहाँ पर जिनका एक्सपायर हो चुका है ना उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लास्ट डेट से पहले पहले अगर उनका एक्सपायर हो चुका है OBC का या ST का तो उनको दिक्कत आ सकती है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं आ रही है। आपको टाइम दिया जाएगा 15 दिन का 20 दिन का, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं कुछ अनकम्प्लीट हैं तो आपको टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने को लेकर, बस थोड़ा सा आप ख्याल रखना कि आपकी जो सही तथ्य हैं मतलब कि आपने जो फॉर्म में भर रखा है वो गलत ना हो। ठीक है, मतलब कि गलत ना हो करने वाला ये है, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल होने चाहिए, सही होने चाहिए, और कॉपी दो कॉपी लेके आपको जानी है, और 6 पासपोर्ट पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेके जानी है, और कोई भी जो है असत्य नहीं होना चाहिए, मान लो मेल का फीमेल हो रखा है या OBC का जनरल हो रखा है, तो मतलब ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका, तो उस टाइम पर दिक्कत आ सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्म आपने सही से भर रखा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो है नेम वेम का करेक्शन का आपका हो जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेम वेम का जो एफिडेविट लगवा लें और फॉर्म का जो चेकलिस्ट है वो भर लें, चेकलिस्ट मैंने आपको बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं।